झालरा पाटन, ये वो सीट है जहां से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया तीन बार से विधायक हैं और उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के बागी मानवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। लेकिन इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है एक एंट्री ने, जरा देखिए। झालावाड़ में हम स्पष्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रदेश को बचाओ। झालावाड़ के झालरा पाटन विधानसभा सीट से बीजेपी के बागी नेता मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने मैदान में उतारकर एक बड़ा सियासी दांव खेला और अब चुनाव से ठीक पहले श्री राजपूत करणी सेना ने मानवेंद्र सिंह के समर्थन का ऐलान कर दिया है। मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि सीएम वसुंधरा और मानवेंद्र सिंह दोनों ही राजपूत हैं और झालरा पाटन सीट पर राजपूत मतदाता ही हार जीत का अंतर तय करता है। जिले में सबसे ज्यादा 50,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर राजपूत मतदाता हैं जिनकी संख्या 35,000 के करीब है, जबकि 20,000 मतदाता धाकड़ हैं जिनकी गिनती क्षत्रिय में होती है। झालरा पाटन में दलित भी राजपूतों के बराबर हैं। पाटीदार, डांगी, ब्राह्मण और अन्य जातियों के वोट भी 50,000 के करीब है। मतलब झालरा पाटन के लगभग 1,90,000 मतदाताओं में 55,000 के करीब अकेले राजपूत और क्षत्रिय हैं, जिनका वोट सीएम वसुंधरा को मिलता आया है और दलित मतदाताओं का साथ बीजेपी को मजबूत करते आया है। लेकिन फिल्म पद्मावत विवाद के बाद राजपूत समाज वसुंधरा से नाराज है और इसी नाराज वर्ग को श्री करणी सेना अपने साथ जोड़कर वसुंधरा को चुनावी मैदान में चित करना चाहती है। राजपूत मानवेंद्र सिंह है, स्वाभिमान का संघर्ष है उसके पीछे। आज इसीलिए हमने उस स्वाभिमान सम्मेलन को फिर एक बार झालावाड़ में लाखों की तादाद में 2 दिसंबर को फिर एक